एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्नैपचैट चलाते हैं और आप चाहते हैं स्नैपचैट को अपना यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक करना या अपने स्नैपचैट के अकाउंट को थोड़ी दिन के लिए आप बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद कर सकते हैं, तो आज वीडियो हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने पहले फ्रेंड्स, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है ब्रिज, आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल ब्रिज टेक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना, सीधे अपना स्नैपचैट ओपन कर लेना है। स्नैपचैट ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अवतार वाले बटन पे क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर तरफ यहाँ पे क्लिक करना है, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और ऊपर तरफ यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपके यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपना ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है, आपको हेल्प लेना है इनका, आई नीड हेल्प पे क्लिक करना है। आई नीड हेल्प पे जब आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे माई अकाउंट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिससे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे माई अकाउंट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट जो है आप यहाँ पे रेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आप अपने अकाउंट को यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि टैप टू बटन एंड देन डिलीट योर अकाउंट, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको अगर यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे अकाउंट फोटोज पे आप डिलीट करेंगे फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन जब क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो आप अगर यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, आपका अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे डिलीट करने पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं इसको टेम्पररी ब्लॉक करना तो आपको क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर टेकिंग द स्टेप डिलीट योर अकाउंट द फर्स्ट विल डीएक्टिवेट 30 डेज। अगर आप यहाँ पर लॉग इन दोबारा से नहीं करते हैं और आपका अकाउंट यहाँ दोबारा मतलब एक्टिव जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दोबारा से आपको यहाँ पर 30 डेज के अंदर ही आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। आप अपने फ्रेंड से चैट कर लेते हैं या यहाँ पर लॉग इन करके दोबारा से आप अपने यहाँ पर अकाउंट को रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने अकाउंट को किस दिन तक अगर आप स्नैपचैट से ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं यहाँ अकाउंट वाले सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये नॉलेज और वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।